हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज के सेट थर्ड के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल साइंस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सेट के अंदर हम और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जेकेएसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसका राइट आंसर आप जरूर बता सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर रहेगा 41। इससे पहले हमने 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 41। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 जहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे आपने बताना है एंटी स्टरलिटी विटामिन जो है किसको बोलते हैं, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टरलिटी विटामिन। विटामिन ई है, B12 है, ए है या सी है। सो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर आपका 41 का बनेगा, जहाँ पे ए। विटामिन ई जो है, विटामिन ई इज आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है एंटी स्टरलिटी विटामिन। और जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा विटामिन ई जो है इसको बोला जाता है टोकोफिरोल भी बोला जाता है। इट्स डिफाइंड एज अ प्रोक्रिएटिव विटामिन। इट्स आल्सो नोन एज एंटी स्टरलिटी विटामिन बोला जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्टरलिटी। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो स्टरलिटी के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन एंटी स्टरलिटी विटामिन की बात करें तो विटामिन ई को बोला जाता है। सो आंसर आपका 41 का रहेगा, आंसर ए। जहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और कॉमन नेम दिए गए हैं, आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप चेक कर सकते हैं जितने भी विटामिन के नेम हैं और इसके साइंटिफिक नेम क्लियरली जहाँ पे इस स्लाइड्स के अंदर मैंने मेंशन किए गए हैं। जहाँ पे अगर आप विटामिन के रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विटामिन और उनकी केमिकल नेम और डेफिशिएंसीज के डिजीजेज क्या रहती हैं, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उसकी उससे क्या डिजीजेज होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई की कमी से कौन सी होती है, उसके बाद इनफर्टिलिटी हो गया। तो इस तरीके से हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या रहने वाली है, केमिकल नेम क्या है और विटामिन जहाँ पे क्लियरली हर एक जहाँ पे इस स्लाइड्स के अंदर मेंशन किया गया है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, इसमें से बताना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें आपने बताना है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम या फैट। सो 42 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जहाँ पे आंसर इसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेज द कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। तो ये क्या है, ये एक बोन डिजीजेस होती है, डेवलप होती है बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डिक्रीजेस से, और व्हेन द क्वालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ बोन चेंजेस। ठीक है, दिस कैन लीड टू अ डिक्रीज इन बोन स्ट्रेंथ, जिससे बोन की स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन्स, यानी कि अगर कोई भी आप गिरते हो तो फ्रैक्चर्स के ज्यादातर चांसेस रहते हैं इस डिजीज से। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम जर्सिनिया पेस्टिसिस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आंसर आपके जहां पे ऑप्शन है चिकन पॉक्स, प्लेग, रुबेला या मम्स, तो इसमें से आपने बताने कौन से डिजीजेस की वजह से होता है बैक्टीरियम जर्सिनिया पेस्टिस। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, प्लेग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आप जहाँ पे देख सकते हैं प्लेग जो है एक किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है जर्सिनिया पेस्टिस, जिसको जूनोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये यूजली कहाँ पे पाया जाता है, स्मॉल मैमल्स के अंदर और फ्लीज के अंदर। ठीक है, पीपल इन्फेक्टेड विद जर्सिनिया पेस्टिस ऑफन डेवलप सिम्टम्स आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 7 days। देर आर टू मेन क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं प्लेग की, जिसको बोलते हैं बबोनिक एंड उसके बाद न्यूमोनिक। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका बी बनेगा। नो, जहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर चिकन पॉक्स दिया गया है, चिकन पॉक्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक हाईली कंटेजियस डिसीज होती है, डिजीज होती है जो किसकी वजह से होती है, बैरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से। ठीक है, इससे इट्ची ब्लिस्टर्स होते हैं, रैशेस होते हैं और ये अपीयर होती है पहले चेस्ट में, फिर बैक में, फिर फेस में और देन स्प्रेड होती है पूरी इंटायर बॉडी में। और चिकन पॉक्स जो है फैक्ट शीट्स फॉर पेरेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से जो निशान जो है बॉडी के अंदर पड़ते हैं चिकन पॉक्स की वजह से। सेकेंडली यहाँ पे एक ऑप्शन बताया गया है रुबेला, जर्मन मीजल्स है, 3-day मीजल्स। रुबेला जो है कंटीजियस डिजीज है,
डिजीज है जो कि कॉज होती है वायरस की वजह से. बहुत सारे पीपल जो हैं, लोग जो हैं, गेट रूबेला यूजली हैव अ माइल्ड इलनेस विद सिम्पटम दैट इंक्लूड अ लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट एंड रैश दैट स्टार्ट्स ऑन द फेस एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसके बाद एक ऑप्शन के अंदर मम्स के बारे में बताया गया है. मम्स जो है एक कंटेजियस डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है और ये इससे पेनफुल स्वेलिंग होती है पैरोटिड सेल्वरी ग्रेंड्स के अंदर और ट्रीटमेंट फॉर मम्स फोकसेस ऑन एलिवेटिंग सिम्टम्स. तो जहाँ पे इस तरीके का जो है अगर बात करें तो ये इस तरीके से सूजन जो है स्वेलिंग जो हो जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे. कोरोना वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ वायरस, किस ऑर्डर ऑफ वायरस से कोरोना वायरस जो है बिलोंग करता है. नीडो वायरल्स, पिको वायरल्स, उसके बाद ओर्टियो वायरल्स या पिकोर्न वायरल्स. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो उसके लिए सॉरी. सो 44 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए. ठीक है, तो नीडो वायरल्स इसका राइट आंसर है. कोरोना वायरस जो है ये ऑर्डर ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं नीडो वायरल्स. तो जहाँ पे बताया गया है देख सकते हैं आप, जहाँ पे एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो इससे बिलोंग करता है और विच इंक्लूड्स इसमें कोरोना वेरिएंट्स हो गया. ठीक है, तो इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट नेम आप जहाँ पे देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, जो प्रोसेस होता है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजाइड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय बीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है. क्या उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है, उसके बाद एमलगेशन बोला जाता है, या इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन बोला जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है. सो 45 का आंसर आपका क्या बनेगा, 45 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा. डी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्वेश्चन नंबर 46, इसमें से आपने एग्जांपल बतानी है कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस की आपने जहाँ पे एग्जांपल बतानी है, क्या उसको डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज है, मीजल्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या कैंसर. सो डायबिटीज नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, कैंसर नहीं है, मीजल जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है. सो आंसर आपका बी बनेगा जहाँ पे, बी इसका राइट आंसर है. थोड़ा सा जहाँ पे मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा. ठीक है, जहाँ पे पहला ऑप्शन डायबिटीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, डायबिटीज़ क्या है, एक लॉन्ग लास्टिंग जो हेल्थ कंडीशन दैट इफेक्ट हाउ योर बॉडी टर्न्स फूड इनटू एनर्जी. ठीक है, योर बॉडी ब्रेक्स डाउन मोस्ट ऑफ द फूड यू कैन ईट इनटू शुगर, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और रिलीजेस इट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. व्हेन योर ब्लड शुगर गोज अप इट सिग्नल योर पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन. तो ये सारा का सारा डायबिटीज़ के बारे में जहाँ पे बताया गया. सेकेंडली जहाँ पे बताया गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक मोस्ट कॉमन जो फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है जो इफेक्ट करता है मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड में. ठीक है, और ये होता है प्रोटेक्टिव कार्टिलेज दैट क्यूजन्स द एंड्स ऑफ द बोन्स वियर डाउन ओवर टाइम. ठीक है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डैमेज कर सकता है ज्वाइंट को. और डिसऑर्डर मोस्टली कॉमनली ये इफेक्ट कहाँ पे करता है, हैंड्स के ऊपर, नीज के ऊपर, हिप्स और स्पाइन के ऊपर. ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम है जहाँ पे ये इफेक्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस. क्वेश्चन नंबर 47, फेनोमेना जो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर, ठीक है, इनटू कलर, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, या इंटरफेरेंस बोलते हैं. सो 47 का आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका सी बनेगा, इसको बोला जाता है डिस्पर्शन. ठीक है, डिस्पर्शन इसका राइट आंसर, जो कि स्प्लिट करता है लाइट को इनटू कलर्स में. रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप सभी जानते हैं, सरफेस स्मूथ एंड शाइनी लाइक ग्लास वाटर पॉलिश मेटल द लाइट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल एज इट हिट द सर्फेस. उसके बाद पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स है जो कि विच स्पेसिफाई द जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशन. ठीक है, इन अ ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव. क्वेश्चन नंबर 48, आपने ऐसा यूनिट बताना है फोर्स का, क्या ऐसा यूनिट है, रेडियन है, पास्कल है, कैंडला है, या न्यूटन है. तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, ऐसा यूनिट फोर्स का है आपका आंसर डी बनेगा जहाँ पे न्यूटन. तो जहाँ पे देख सकते हैं ऐसा यूनिट फोर्स के बारे में बात की गई है, न्यूटन इसका सिंबल एन है. फिर जहाँ पे बात करेंगे कैंडला की, इसका ऐसा यूनिट जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है. फिर बात करेंगे पास्कल की, इसका ऐसा यूनिट जो है प्रेशर और स्ट्रेस जो है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. फिर रेडियन की बात की गई, इसको डिनोट किया गया सिंबल आर ए डी रेड के साथ, इज द यूनिट ऑफ एंगल इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इसके ऑप्शन हैं सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन करके बता दी. क्वेश्चन नंबर 49, विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज बाय फ्लैबी वायरस, फ्लॉबी वायरस सॉरी. ठीक है, तो उसमें कौन सी डिजीजेज होती है फ्लॉबी वायरस से, सॉरी फ्लॉबी वायरस. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डेंगू हो गया, लेप्रोसी हो गया, या टाइफाइड हो गया. विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज बाय फ्लॉबी वायरस, सो आंसर आपका जहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे बी डेंगू. ठीक है,
तो जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे, एक सीरियल इलनेस है, ये इफेक्ट कहाँ पे करती है, ह्यूमंस के लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगी, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है एक व्हेन अ पर्सन विद द इलनेस, जैसे कॉफ हो गया, स्नीजेस हो गया, साइंस हो गया, ठीक, सिंग्स हो गया, ये सारे के सारे इसके जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है स्प्रेड होने के कारण है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे बताया गया है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और डिजीज जो होते हैं प्रीडोमिनेटली इफेक्ट करती है स्किन और पेरिफेरियल नर्व्स पे, लेफ्ट अनट्रीटेड द डिजीज में कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज। फिर यहाँ पे बात कीजिए टाइफाइड की। टाइफाइड एक फीवर होता है, सभी जानते हैं आप, लाइफ थ्रेटनिंग एक इन्फेक्शन कॉज होता है, जिसको बोलते हैं सोलमेलिया टाइफी, ठीक है। यूजली ये कैसे स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। और वंस सोलमेलिया टाइफी बैक्टीरिया इंजेस्टेड, दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इन टू द ब्लड स्ट्रीम। तो सभी जानते हैं एक नॉर्मल सा बुखार होगा, फीवर होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा, कंटेमिनेटेड जो फूड और वाटर की वजह से ये टाइफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मेल्टिंग पॉइंट बताना अपने वाटर का सी लेवल पे, ठीक है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, 100 डिग्री, -273.14 डिग्री, या 0 डिग्री, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आंसर आपका 50 का बनेगा, यहाँ पे आंसर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर। ये मेल्टिंग पॉइंट रहता है वाटर का सी लेवल पे। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक प्योर वाटर ट्रांजिशन होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सी लेवल पे। और ये जो टेम्परेचर होता है इज रेफर टू एज द मेल्टिंग पॉइंट व्हेन राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग आइस टू मेल्ट एंड चेंज स्टेट फ्रॉम ए सॉलिड टू अ लिक्विड वाटर। अब 51 की बात करेंगे, जहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टिल्ड वाटर है, ग्रेफाइट है, आयरन है, या कॉपर है। तो इसमें से आपने बताना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका यहाँ पे ए बनेगा, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट, आयरन, कॉपर जहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक वाटर है, इट्स प्यूरिस्ट फॉर्म, इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, मिनरल्स आर एसिड्स, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर आपका 51 का बनेगा, यहाँ पे आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। कौन सा एसिड जो हेल्प करता है बॉडी में डाइजेशन के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसेटिक एसिड, या बोरिक एसिड्स। सो यहाँ पे 52 का क्या आंसर बनेगा, 52 का आंसर यहाँ पे बनेगा आपका आंसर ए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन में। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, फिर आपका एसिटिक एसिड आ गया, फिर आपका बोरिक एसिड आ गया, ये तीनों के आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, तो इनका क्या वर्क है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है जी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें से कौन सा पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है इसकी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ठीक है, पोस्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन है। सो 53 का आंसर क्या बनेगा आपका, 53 का आंसर आपका सी बनेगा, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, तो 53 का आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जी किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका है, जी टाइम का है, एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी का है, या डिस्टेंस का है। तो 54 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा डी, ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे आपने एनिमल के बारे में बताना है, ग्रुप ऑफ एनिमल के बारे में बताना जो कि न्यूट्रिशन लेता है बाय फीडिंग ऑन बोथ, जैसे प्लांट्स और एनिमल दोनों से, ठीक है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ऑटोट्रॉप्स है, या हर्बीवोरस। सो 55 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी। अब इसका बी राइट आंसर बनेगा, ओमनिवोरस इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्निवोर किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली क्या करते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, मीट मांस खाएंगे, आर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, समटाइम कार्निवोर्स आर कॉल्ड, इसको प्रीडेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, कार्निवोर्स, जैसे आप जहाँ पे एग्जांपल दी गई है लॉयन की। सेकंडली यहाँ पे बात करेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, जैसे लाइट से वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, और अदर केमिकल्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर समटाइम कॉल्ड, इसको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हर्बीवोर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, जेब्रा हो गया, ये किसकी एग्जांपल है,
जी हर्बी वोर्स की एग्जांपल है। सो आंसर आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो रिमूव होता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, इसको गैस्ट्रोलेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या डाइजेशन बोलते हैं। सो 56 का आंसर क्या बनेगा आपका, 56 का आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल बताना आपने, ए बी सी एंड डी, ये आपके ऑप्शंस जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो 57 का आंसर क्या बनेगा, 57 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, डी इसका एफई, तो केमिकल नेम है किसका, आयरन का। तो ये आपने बताना जी यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट ए बी एंड सी, जी आपने बताना जी किसकी केमिकल नेम है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन आई एन सी यू आई आर, ठीक है, तो जी केमिकल नेम किसके हैं जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में बताना, किस टाइप ऑफ, किस एनर्जी का ये सोर्स है, क्या नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी है, कन्वेंशनल है, एग्जॉस्टिबल है या नॉन कन्वेंशनल है। सो 58 का आंसर क्या बनेगा आपका, 58 का आंसर आपका डी बनेगा, दैट इज नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल इसका राइट आंसर है। नॉन कन्वेंशनल सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का जहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, तो जहाँ पे बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द वंस दैट आर कॉमनली यूज्ड एंड जनरली इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच आर बींग यूज सिंस ए लॉन्ग टाइम। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, बायोमास हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया। फिर बात करेंगे जहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपकी विंड आ गए, टाइड्स आ गए, सोलर, बायोमास और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आर एनर्जी सोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन नेचर एंड आर लिमिटलेस, ठीक है, जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं और इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, ये आएंगे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में, ठीक है। तो 58 का आंसर आपका बनेगा डी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि टाइटल जो एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें से आपने विटामिन के बारे में बताना है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी बोलते हैं, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोला जाता है, विटामिन सी, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू या विटामिन बी सिक्स। सो 59 का आंसर क्या बनेगा, 59 का आंसर जहाँ पे बनेगा ए, इसको बोला जाता है विटामिन सी, विटामिन सी इसका राइट आंसर है। तो अगेन जहाँ पे मेंशन किया गया है विटामिन की केमिकल नेम्स और डेफिशिएंसी, ये आप जहाँ से इसको जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे मैंने क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया गया इस चार्ट के अंदर, और इससे पहले आप देख सकते हैं जहाँ पे साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाले जो चार्ट है जहाँ पे मैंने आपको इसके डेफिशिएंसी डिजीजेस और केमिकल नेम और विटामिन, ये सारा का सारा क्लियरली इस स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया गया है। नो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, 60 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द, ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स है, रेन है या एसिड रेन है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द, सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर है एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज प्रिवेंटेड बाय द एटमॉस्फेयर, सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। अब जहाँ पे एसिड रेन के बारे में बताया गया, एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूंगा, एसिड रेन क्या है, एसिड रेन को बोला जाता है एसिड डिपोजिशन, एक ब्रॉड टर्म है जिस दैट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड हो गया, दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स। तो इस तरीके से एसिड रेन बोला जाता है, एसिड रेन जहाँ पे क्लियरली मैंशन किया गया है। तो जहाँ पे मैंने आज जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, 60 आज हमने 60 एमसीक्यूज कवर कर लिए, तो ये हमारा सेट चौथा थर्ड है सेट था, और इसके अंदर हमने जो है 20 एमसीक्यूज आज वापस से डिस्कस किए, क्योंकि साथ साथ में इसको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो साथ साथ में इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जितने अगर आप 100 एमसीक्यूज को ऐसे सीधे सीधे जो उसको करने हो तो उसमें काफ़ी इतना टाइम नहीं लगता है, बट आपको अगर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन करके लिखना हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये हमारा सेट थर्ड था, सेट फोर्थ आपके लिए मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, और कोशिश करेंगे उसमें जो आपके 40 एमसीक्यूज बचते हैं, 40 एमसीक्यूज को हम सेट फोर के अंदर कवर कर लेंगे, ताकि आपकी फोर वीडियोस के अंदर जितने भी हैं
100 MCQs को हम कवर कर पाए। तो अगेन ये JKSS भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तभी इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये वीडियोस। तो कैसा लगा वीडियो आज कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।